जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं परम पिता परमात्मा से आप सभी के जीवन में सुख शांति सौभाग्य की मंगल कामना करता हूं। आज मैं पुनः आप सभी के समक्ष आपका अपना अपना राशिफल लेकर प्रस्तुत हुआ हूं और साथ ही साथ आज आपको बताने वाला हूं कि किस प्रकार से आप लोन, कर्जा, उधारी से बच सकते हैं, आपको करना क्या चाहिए इन सब चीजों से बचने के लिए, ताकि आप कर्जे के दलदल में, लोन के दलदल में, उधारी के दलदल में इस तरीके से ना फंस जाएं कि एक कर्जा चुकाने के लिए एक और कर्जा आप ले लें, फिर उसको चुकाने के लिए, उसके ब्याज को चुकाने के लिए एक और कर्जा ले लें, अंततः गले तक आप कर्जे के बोझ में दब जाएं कि कोई निकालने वाला भी आपको ना मिले। तो किस प्रकार से आप इस परेशानी से बच सकते हैं, सबके लिए मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा इस वीडियो के दौरान। तो आप अंत तक आज का यह वीडियो अवश्य ही देखते रहिएगा। ज्ञान गंगा, ज्ञान गंगा। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं गुरु रजनीश ऋषि शनि पीठ मंदिर 38/18 इस पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आपका तुला राशि लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं क्या कहते हैं आपके ग्रह गोचर नक्षत्र और सितारे। राहु महाराज वक्री चाल चलते हुए वृषभ राशि में विराजमान हैं। मंगल देवता, सूर्य देवता और बुध देवता ये तीनों ही सिंह राशि में विराजमान हैं। शुक्र देवता नीचे के होकर कन्या राशि में विराजमान है। केतु महाराज उल्टी चाल चलते हुए वृश्चिक राशि में विराजमान है। चंद्र देव विराजमान है। शनिदेव महाराज वक्री चाल चलते हुए मकर राशि में विराजमान है। देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में वक्री चाल चलते हुए विराजमान है। और यहाँ बैठकर ये सभी ग्रह देवता हमारे सभी कर्मों पर अपनी ये नौ ग्रह देवता अपनी 18 आंखों के साथ हमारे सारे छोटे बड़े अच्छे बुरे कर्म पर नजर रखते हैं और उसी के अनुसार या तो हमें सुख शांति सौभाग्य और ईश्वर की वर्षा प्रदान करते हैं या दुख दरिद्रता दुर्भाग्य दुर्गति प्रदान करते हैं। अब सोचना अपने आप अच्छे कर्म करें या बुरे कर्म करें, आप देश का नुकसान करें या फिर अपना स्वयं का नुकसान करें, किसी भिखारी के यहाँ अगले जन्म में कहीं आपका जन्म होगा तो आप दर दर की ठोकरें खाएंगे। तो 100 बार सोचिए एक भी बुरा कर्म करने से पहले, चाहे वो अड़ोसी पड़ोसी रिश्ते नातेदार का बुरा करना हो, भ्रष्टाचार करना हो, मिलावटखोरी करना हो, नशे का कारोबार करना हो, आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त रहना हो, या ऐसे किसी कार्य करने वाले व्यक्ति की मदद करना हो, देश की संपत्तियों को किसी भी प्रकार से नुकसान पहुंचाना हो, या ऐसे लोगों की जिनकी सोच में देश की संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना, ऐसे किसी व्यक्ति के समर्थन देना हो, अंततः ऐसे व्यक्ति अपने दुर्भाग्य दुर्गति दरिद्रता को प्राप्त होते हैं और उनकी सिर पर दुखों का अंबार धीमे धीमे करके टूटने लगता है। भगवान के यहां ना तो देर है ना अधेर है, इस बात को जरूर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ में आप सभी लोगों की सुविधा के लिए मैंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है, गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एस्ट्रोलॉजी बाई गुरुजी। इस मोबाइल ऐप का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी है। आप उस मोबाइल ऐप के थ्रू अपनी सभी प्रकार की समस्याओं का हल ढूंढ सकते हैं डायरेक्टली। साथ ही साथ समय समय पर आपके बर्थडे पर, आपकी मैरिज एनिवर्सरी पर और होली दिवाली के पावन पर्व पर मैं गुरु रुक्मणी और स्वामी राजेश जी आपको शुभकामना संदेश भेजते रहते हैं। आपके जीवन में परम पिता परमात्मा से सुख शांति सौभाग्य और ईश्वर की वर्षा प्रदान करने का कामना रखते हैं। तो इस प्रकार के संदेश लगातार आपको प्राप्त होते रहें तो आप कभी भी इस मोबाइल ऐप को डिलीट मत करिएगा। साथ ही साथ नजर डालते हैं आज के पंचांग पर। प्रिय भक्तों, आज है 19 अगस्त सन 2021 बृहस्पति वार का दिन है, विक्रम संवत है 2078, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है।
परमपिता परमात्मा आज जो अपने द्वार खोलने वाले हैं वो शाम को 6:11 से लेकर 7:42 तक खोल कर रखेंगे। इस समय विशेष पर परमपिता परमात्मा के श्री चरणों को प्रणाम करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आज जो किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए जो शुभ मुहूर्त रहेगा वो 11:58 से लेकर 12:51 तक रहेगा, तो आप इस मध्य दौरान कोई भी शुभ कार्य करना प्रारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग जादू टोना टोटका विचार कर षटकर्म इत्यादि करना चाहते हैं उनके लिए जो समय रहेगा वो सुबह 5:52 से लेकर 7:30 तक और दोपहर में 2:02 से लेकर 3:41 तक ये समय रहने वाला है। इस समय विशेष पर आप जादू टोना टोटका विचार कर षटकर्म इत्यादि प्रारंभ तो कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कभी भी किसी का अहित करने का प्रयास करेंगे तो स्वतः ही बर्बाद हो जाएंगे, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपके लिए। प्रिय भक्तगणों, उन सभी भक्तगणों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो में बताए गए उपायों को देखकर लाभ उठाया है या मुझसे पर्सनल मिलकर मुझसे उपाय लिए हैं उन्होंने और उससे उनके जीवन में परिवर्तन आया है, लाभ मिला है, या फिर उन्होंने वीडियो कॉल पर मुझसे अपॉइंटमेंट ली थी, टेलीफोन पर अपॉइंटमेंट ली थी, टेलीफोनिक कॉल किया था, या फिर ईमेल के माध्यम से मुझसे मदद लेकर अपने जीवन में परिवर्तन किया है, लाभ उठाया है मेरी बताई गई उपायों से, अगर ऐसे व्यक्ति मुझे अपना वीडियो बनाकर भेजेंगे 2-3 मिनट का अपने चेहरे पर कि किस प्रकार से उन्होंने मेरे बारे में जाना, किस प्रकार से उन्होंने मुझसे बात की, मेरे किस उपाय को करने से उनकी किस किस परेशानियों में उसको लाभ की प्राप्ति हुई, ऐसा एक वीडियो जिसमें वो साथ ही साथ बताएंगे कि वो कहाँ के रहने वाले हैं, उनका नाम क्या है। तो ऐसे सभी व्यक्ति अगर व्हाट्सएप के थ्रू मुझे ये वीडियो भेजेंगे और साथ ही साथ अपना पूरा पता भेजेंगे, पिन कोड नंबर और मोबाइल नंबर के साथ, तो ऐसे सभी व्यक्तियों को मैं फ्री ऑफ कॉस्ट ये मंत्र सिद्ध माला और इसमें विभिन्न प्रकार के जो लगे हुए लॉकेट हैं, किसी के हिस्से में शनि यंत्र आएगा तो किसी के हिस्से में काल सब दोष का लॉकेट आएगा, किसी के हिस्से में नवग्रह यंत्रों का लॉकेट आएगा, तो किसी में मनोकामना सिद्धि करने वाला लॉकेट आएगा, तो किसी को वशीकरण मंत्र का लॉकेट आएगा, किसी को मोहिनी मंत्र का लॉकेट प्राप्त होगा इस मंत्र सिद्धमाला के साथ। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इसको प्राप्त करने के लिए शीघ्रता शीघ्र अपना वीडियो बनाकर इस नंबर पर जो स्क्रीन पर आ रहा है इस समय पर उस नंबर पर भेजें। ये केवल उस पर आप वीडियो को व्हाट्सएप वीडियो बनाकर भेज सकते हैं, इस पर किसी भी प्रकार की कॉल या मैसेज अटेंड नहीं किए जाते हैं, ये केवल और केवल आप लोगों की वीडियो को प्राप्त करने के लिए नंबर रखा गया है। तो इस पर कॉल करने का वीडियो कॉल करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करें क्योंकि आपकी ऐसी किसी कॉल का इस पर जवाब नहीं दिया जाता। चलिए नजर डालते हैं आज के तुला राशि वाले व्यक्ति के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्ति हो आपका अपना ग्रह नीचे का होकर बैठकर आपको कमजोर कर रहा है, तो उसे तो ठीक करना ही करना है, तो आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा है, सबसे पहले मैं उसकी चर्चा कर लेता हूँ। वो लाभ है आपके रिश्तेदारों के माध्यम से आपको नौकरी प्रमोशन इंक्रीजमेंट ट्रांसफर व्यापार उन्नति कंप्लीट एग्जाम सब सरकार की तरफ से कोई बैंक जैसी संभावना बनती हुई नजर आने से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का प्रयास करिएगा। परिवारजनों से झगड़ा मत करिएगा, भोग विलास में लिप्त मत होइएगा और यहाँ पर बात करूंगा माता का आशीर्वाद जरूर लेने का प्रयास करें, उनकी बत्तू आपको जरा खराक कर सकती हैं, तो ऐसा कोई काम ना करें जिससे माता आपसे नाराज हो और आपको बद्दुआएं दे। और यहाँ मैं बात करना चाहता हूँ आपके स्टूडेंट्स के बारे में, तो स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगने वाला है, माँ बाप ध्यान दें, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो कैरियर कैसे बनेगा उसका। यहाँ पर जो बात करना चाहता हूँ आपके जीवन साथी के बारे में, तो जिन लोगों में अभी तक शादी नहीं हुई है उनको शीघ्र शादी का होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, बशर्ते वो अपने किसी रिश्तेदारों के माध्यम से मदद लेने का प्रयास करें, क्योंकि जो ऑलरेडी शादीशुदा है तो उनका जीवन साथी उनके जीवन में उनकी सलाह मानने से जीवन साथी की सलाह मानने से आपको आमदनी में वृद्धि होती हुई स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूँ। तो अपनी आमदनी में वृद्धि लगातार बनाए रखिएगा, अपने खराब नीच के कमजोर और पापी ग्रहों को ठीक करने का प्रयास करिएगा। ये ग्रह हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं, इनके बिना पत्ता भी नहीं हिलता सृष्टि का। अगर आप इनको ठीक करेंगे तो निश्चित रूप से जीवन में आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे। तो प्रिय भक्तगणों आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आप जय दीजिए, जय शनिदेव।